नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनने जा रहे हैं सुनो कहानी के अंतर्गत जॉर्ज पंचम की नाक का अगला भाग। कमलेश्वर जी द्वारा रचित ये कहानी उस दौर के बारे में है जब इंग्लैंड की महारानी भारत आ रही थी और उनकी तैयारियों में प्रशासन और सभी आमजन जुटे हुए थे। तभी अचानक से जॉर्ज पंचम की मूर्ति से उनकी नाक गायब हो गई। किसी ने शरारत की और नाक तोड़ दी। अब सबसे बड़ा जो हुक्मरानों के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि उस नाक का क्या किया जाए, वैसी की वैसी नाक नई बनवाई जाए। तो फिर उन्होंने एक मूर्तिकार को बुलाया। तो मूर्तिकार, आगे चलते हैं, आगे सुनते हैं कहानी। सब हुक्मरानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक की तरफ से दूसरे ने कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेटे चोरी के और कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी कथा माफ हो, मगर सब कुछ हजम कर चुकी है। हुक्मरानों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और इस काम का दरोमदार अब आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो फिर परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत सिर्फ खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर नहीं ही नहीं मिला। यह पत्थर तो विदेशी है। सभापति ने तेज में आगे कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों में सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन। जब हिंदुस्तान में वर्ल्ड अंश तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो। मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई, सबकी मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा। नापजोक की और बिहार की तरफ गया। फिर उत्तर प्रदेश आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंच गया। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिरकार दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, साहब सब मूर्तियां देख कर आया हूँ, सबकी नाकों का नाप लिया। जॉर्ज पंचम की नाक तो इन सबसे बड़ी निकली। धन्यवाद दोस्तों।